हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवर फर्स्ट चैप्टर इन जियोग्राफी सेक्शन हैज कंप्लीटेड एंड वी हैव डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस इन आवर प्रीवियस क्लास। ओके, टुडे वी डिस्कस अबाउट रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सेक्शन प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन ए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बी फिल इन द ब्लैंक्स, सी ट्रू एंड फॉल्स एंड डी मैच द कॉलम। ओके, यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट हो चुका था कल, जिसको आपने अपनी फेयर नोटबुक है, जो आपको कहा गया था कि आपको जियोग्राफी सेक्शन के लिए अलग से नोटबुक बनानी है। SST की टोटल 3 नोटबुक्स है, वो आपको यूज़ में लेनी है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको यहाँ क्वेश्चन डी तक अपन ने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन ई है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 to 2 लाइन ईच। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस है वो गिवन है। और जो एफ सेक्शन है, उसमें आपको जो 4 to 5 लाइन में ईच क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसमें अपने पास टोटल 5 क्वेश्चंस है। ओके, तो सेक्शन ई और एफ में अपने पास 5 5 क्वेश्चंस है, जिनके आंसर्स आज आपको इस वीडियो के साथ पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये करना है, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, फिर ट्रू एंड फॉल्स वाला करना है, फिर सेक्शन डी में मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद में ई और एफ है जो पीडीएफ में आपको मिल रहा है आज, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ओके, उसके बाद जो एनसीईआरटी कॉर्नर दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी कॉर्नर है, इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड है चैप्टर से, जो कुछ अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, उनको भी अपने को अपनी इसी नोटबुक में प्रैक्टिस कॉर्नर के बाद आगे करना है। उसमें आपको हेडिंग लगा देनी है ब्लैक पेन से, एनसीईआरटी कॉर्नर, और उसके बाद में इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको जो पीडीएफ है उसमें एनसीईआरटी कॉर्नर हेडिंग राइट करके और इनके आंसर्स है वो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो आपको बाद में करने हैं। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आगे, वो अपन यहाँ इस वीडियो में देख लेते हैं। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द प्लेनेट नोज एज द अर्थ ट्विन इज। तो यहाँ 3 ऑप्शंस अपने को गिवन है, फर्स्ट जुपिटर, सेकंड सैटर्न और थर्ड वीनस। तो अपन ने स्टडी किया था, तो उसमें अपन ने ये जब वीडियो अपन ने वॉच किया था, तो उसमें ये बताया गया था कि जो वीनस जो प्लेनेट है वो अर्थ ट्विन्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसे अर्थ सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। वाई? क्योंकि ये दोनों काफ़ी सिमिलर है, इनकी साइज है वो भी क्या है, सिमिलर है। तो साइज सिमिलर होने की वजह से एक जैसे हमें दिखते हैं, इसलिए इन्हें ट्विंस, अर्थ का ट्विन, या इसे अर्थ की सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, वीनस। ओके, सेकंड, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। कि यदि हम नियरेस्ट सन के अकॉर्डिंग को अरेंज करते हैं, तो जो आपका फर्स्ट आता है वो कौन सा आता है पता है ना? फर्स्ट प्लेनेट आता है अपना मर्क्यूरी, और जो सेकंड प्लेनेट आता है वो आता है आपका वीनस, और जो थर्ड नंबर है वो हमारे जो प्लेनेट है जिस पर हम लिव कर रहे हैं, अर्थ। तो जो थर्ड प्लेनेट है नियरेस्ट टू सन वो है आपका अर्थ प्लेनेट। ओके, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, अर्थ। क्वेश्चन सी, ऑल द प्लेनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए। अब वो कौन से पथ के ऊपर वो उसके सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो वो हमने ये जाना कि वो ना तो रेक्टेंगुलर है पथ है, ना स्क्वायर पथ है,
नहीं, कंप्लीटली सर्कुलर पथ है वो, दिखने में सर्कुलर है लेकिन रियली वो सर्कुलर नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे की ओर दबा हुआ, या हम कहें एग शेप में, एग जानते हो ना अंडा, एग शेप में। तो उस पथ का जो वे है वो सर्कुलर भी नहीं है, रेक्टेंगुलर भी नहीं है, कैसा है, इलांगेटेड, ठीक है ना, इलांगेटेड पथ है उसका, इलांगेटेड पथ। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा थर्ड, इलोंगेटेड पथ। डी क्वेश्चन, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, तो पोल स्टार होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ब्राइट करता हुआ में लुक होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, कि पोल स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन में हमें दिखता है और ये इंडिकेट भी करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, और इस पोल स्टार के कारण से अक्सर जो ह्यूमंस होते हैं वो कई बार जो डायरेक्शन होता है उसका नॉलेज भी प्राप्त करते हैं, जब उन्हें डायरेक्शन का नॉलेज नहीं होता है वो भूल जाते हैं कौन सी डायरेक्शन में अपन यहाँ स्टैंड किए हुए हैं, तो उस समय वो पोल स्टार को यदि जानते हैं तो उसको देख के वो नॉर्थ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और बाकी जो थ्री डायरेक्शन है वो अपने आप वो देख लेते हैं। लास्ट ई क्वेश्चन है, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, तो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो कौन से दो प्लेनेट की जो ऑर्बिट होती है उनके बीच में वो मूव करते रहते हैं, तो अपने जाना है कि जो आपका मार्स और जो तो जुपिटर प्लेनेट होता है उन दोनों की जो ऑर्बिट होती है उसके मिडिल में जो बहुत सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज है, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो रॉक्स है, स्टोन्स है, वो कंटिन्यू बहुत बड़े अमाउंट में वो मूव करते रहते हैं, एक बेल्ट के रूप में वो हमें दिखाई भी देते हैं, तो वो जो एस्टेरॉइड्स है वो मार्स और जो जुपिटर है उन दोनों प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट होती है उनके बीच में कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, मार्स एंड जुपिटर। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, आपको सुटेबल वर्ड्स का यूज करना है और जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसमें जो भी ब्लैंक है उसको फिल करना है। जो आपका ए है, ए ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड है, तो इसमें देखो जो कॉन्स्टलेशन के बारे में अपने स्टडी किया कि जो कॉन्स्टलेशन होता है उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ठीक है ना, और वो स्टार्स क्या होते हैं, एक निश्चित शेप है उसको फॉर्म करते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, क्लोज आके वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि उन्हें देखने पर हमें एक पर्टिकुलर कोई शेप दिखाई देती है, उस पर्टिकुलर बनने वाली शेप को तो कॉन्स्टलेशन कहते हैं, और बनाते कौन है, वो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, तो फर्स्ट ब्लैंक में आप फिल कर दोगे स्टार्स और सेकंड जो ब्लैंक है उसमें आप फिल कर दोगे कॉन्स्टलेशन। ओके, बी ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, तो जो स्टार्स होता है उसका एक ह्यूज सिस्टम जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, उस ह्यूज सिस्टम को हम किस नेम से जानते हैं, तो वो अपने स्टडी किया कि उसे गैलेक्सी के नेम से जाना जाता है, तो सेकंड जो ब्लैंक है बी वाले में इसमें आपका जो विलिन जो ब्लैंक है उसमें आप फिल करोगे गैलेक्सी। सी इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, कि हमारी जो अर्थ प्लेनेट है उसके सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा प्लेनेट है, तो अर्थ है उसके सबसे ज्यादा क्लोज प्लेनेट कौन सा है, सॉरी प्लेनेट नहीं, सेलेस्टियल बॉडीज, कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज हो सकती है नेचुरल, तो वो अपना मून है, तो मून है वो एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज है जो हमारी अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोज है। ओके, तो इसमें आप फिल करोगे द मून, एंड डी प्लेनेट्स डू नॉट हैव दियर ओवन ब्लैंक एंड ब्लैंक, तो जो प्लेनेट्स होते हैं उनके पास अपनी ओवन क्या चीज नहीं होती है, तो अपने स्टडी किया कि जो स्टार्स होते हैं, जो स्टार्स होते हैं उनके पास ओवन हीट एंड लाइट होती है, जबकि जो प्लेनेट्स होते हैं वो हीट और लाइट किससे गेट करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त करते हैं स्टार्स, तो प्लेनेट के पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, तो यहां अपन ब्लैंक में फिल करेंगे कि प्लेनेट्स डू नॉट हैव दियर ओवन हीट
फर्स्ट में आप कर दोगे हीट एंड सेकंड में लाइट। ओके, इसको आप फर्स्ट वाले में लाइट और सेकंड वाले में हीट भी कर सकते हो, वो भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमें दोनों चीजें इसमें आंसर में राइट करनी है। तो अपन कोई भी पहले और कोई भी बाद में कर सकते हैं। ओके, फिर थिंग टू डू। अब इसमें ये कहा गया है कि ये कुछ एक्टिविटीज है जो आपको करनी है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करना है, और वो आपको एक ड्राइंग है जो चार्ट पर ड्रॉ करनी है। सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन है इसका, वो आपके बेस के ऊपर बनाया गया है कि जब भी आप वेकेशन पर विजिट करते हो किसी प्लेनेटेरियम में, तो वहाँ आप कैसा फील करते हो, वहाँ आप कौन कौन सी थिंग्स को वॉच करते हो, ठीक है ना, लुक करते हो, और वहाँ आपने कैसा मतलब अनुभव प्राप्त किया है, वहाँ आपने कौन कौन सी जो स्ट्रेंज थिंग्स है उनके बारे में नॉलेज प्राप्त किया है, वो सब आपको अपने स्तर पर लिखना है। थर्ड इसमें है ऑर्गेनाइज ए क्विज कॉन्टेस्ट ऑन द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, कि अर्थ और जो सोलर सिस्टम है उस पर एक क्विज ऑर्गेनाइज की जाए, और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो स्मॉल क्वेश्चंस है वो बच्चों से आस्क किए जाए, और बच्चों में जो इस प्रकार की एक्टिविटी करवा के उसमें इंटरेस्ट है वो बनाया जाए। तो ये आपका जो चैप्टर कंप्लीट होगा, इसका जब भी हम टेस्ट लेंगे तो उसमें आपके एज ए क्विज ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन होंगे जिनके आंसर्स आपको देने होंगे। तो आपको सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन इसमें नहीं करना है, एक बार आपको केवल फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये आपको करना है कि आपको एक मार्केट से व्हाइट चार्ट है वो परचेज करना है, और उसमें सोलर सिस्टम है उसकी पिक्चर से वो ड्रॉ करनी है, उनकी ऑर्बिट्स बनानी है, उन ऑर्बिट्स में उनकी जो भी जिस ऑर्बिट में अकॉर्डिंग टू सन नियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट जो भी प्लेनेट है उनकी पिक्चर बनानी है, और हो सके तो उनको कलरफुल भी बनाना है। ओके, देखो यहाँ आपको जो पिक्चर गिवन है उसमें ये नियरेस्ट टू सन मर्क्यूरी, देन वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवन्थ यूरेनस एंड एट नेपच्यून, ये प्लैनेट्स के आपको नेम गिवन है। चार्ट बनाते समय आपको एक थिंग है जिसको आपको क्लियरली ध्यान में रखना है कि इस पिक्चर को आप अच्छे से देख करके आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से प्लेनेट का साइज कितना बनाना है हमें। सभी प्लेनेट्स की साइज सेम नहीं करनी है। इस पिक्चर में जो प्लेनेट आपको थोड़ा बिगर है, थोड़ा बड़ा है, उसको आपको बड़ा ही बनाना है, और जो प्लेनेट साइज में छोटा है उसको स्मॉल साइज में ही बनाना है। ओके, तो ये आपका आज का वर्क रहेगा जो आपको संडे तक कंप्लीट कर लेना है। मंडे को नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस टाइम करना है जिसमें आपको ये ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है वो आपको सॉल्व करने हैं। देन जो सेकेंड बी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको करना है। देन सी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। डी मैच द कॉलम, ये आपको करना है। उसके बाद में ई और जो एफ जो आपके सेक्शन है उनमें फाइव फाइव क्वेश्चन गिवन है, इनके आंसर आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाई जा रही है वीडियो के साथ, तो ये आपको करना है। और उसके बाद में आपको एनसीईआरटी कॉर्नर कैपिटल लेटर में लिख के ब्लैक पेन से लिख करके ये हेडिंग लगानी है, और उसके बाद में ये जो एनसीईआरटी कॉर्नर में जो क्वेश्चंस गिवन है इनको भी हमें इन्हीं के आगे सॉल्व करना है, जिसमें सबसे पहले आपको जो ये सिक्स क्वेश्चंस गिवन है इनको सॉल्व करना है, जिनके आंसर भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और जो थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, ये आपको अभी वीडियो में इनके आंसर्स बताए गए हैं तो वो आपको करने हैं। और जो थिंग्स टू डू है इसमें केवल आपको फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको करना है, जब भी आप फ्री हो
तो आपको एक व्हाइट चार्ट है वो मार्केट से परचेज करके, और उसमें सोलर सिस्टम है उसको कलर्स की हेल्प लेते हुए उसको ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू।